Greetings to all. So this is our next practical session, and in the previous practical session we have discussed about the igneous rock and the sedimentary rock. Now this is the third part of the second practical. So this is physical properties of metamorphic rock. So as we know, the metamorphic rock is the tertiary rock or the third type of rock. First type or primary rock is igneous rock, sedimentary rock is the secondary rock, and the metamorphic rock is the tertiary rock. So today is all about the physical properties of metamorphic rock. We will discuss the what are the physical properties of metamorphic rocks. So let's see one by one. So first of all, the first physical properties of metamorphic rock is structure, texture, and then mineral composition, name of the rock, grade of metamorphism, and phases. So basically we have seen physical properties of igneous rock, sedimentary rock, and this is the metamorphic rock. So इसमें आपने देखा होगा कि हर physical properties rock के हिसाब से अलग अलग है. Igneous rock की physical property को हम अलग तरीके से define करते हैं, sedimentary rock की physical property को अलग तरीके से, और यहाँ पर जो profile है मेटामॉर्फिक रॉक के लिए वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक. सो यहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटामॉर्फिक में स्ट्रक्चर, टेक्सचर, मिनरल कंपोजिशन, नेम ऑफ द रॉक, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज और फेसेस को डिस्कस करते हैं. सो जिस तरीके से या जिस वे में रॉक फॉर्म हो गए, उस तरीके से या उस हिसाब से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्क्राइब करते हैं. सो जैसा कि मेटामॉर्फिक रॉक थर्ड टाइप का रॉक है और वो फॉर्म होता है ड्यू टू दी प्रेशर, केमिकली एक्टिव फ्लूइड, और बिकॉज ऑफ दी ओवरबर्डन ऑफ द रॉक प्रेशर और दी रॉक फॉर्मेशन. सो ड्यू टू दी प्रेशर और केमिकल एक्टिव फ्लूइड हमारे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर. So we have already discussed the metamorphic rock in the previous lecture. We have already discussed the zone of metamorphism, phases of metamorphism. So if you अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो please go and watch this lecture. Otherwise you can't understand these terms, that is grade of metamorphism or phases. So let's start with the first rock. So first rock is hornblende schist. So this is the structure. Structure is schistose. So now again, if you have not go through the lecture series, you will not understand these type of terms, that is schistose, gneissose. मैंने previous lecture में discuss किया है what is schistose, what is gneissose. Metamorphic lecture में हम already ये देख चुके हैं. अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप पहले लेक्चर सीरीज देखिए, देन प्रैक्टिकल सेशन अटेंड कीजिए. अदरवाइज आप ये जो टर्म्स है सिस्टोस, क्रिस्टोक्लास्टिक और लो ग्रेड फेसेस, ये क्या है आप नहीं समझ पाएंगे. सो यू विल हैव टू वॉच फर्स्ट लेक्चर सीरीज, देन यू विल गो थ्रू दी प्रैक्टिकल सेशन. सो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर सिस्टोज होता है. दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के, एक होता है फॉलिएटेड जिसको हम फॉलिएशन बोलते हैं, और दूसरा होता है सिस्टोज और जिसको हम सिस्टोसिटी भी बोलते हैं. सो यहाँ पे सिस्टोज स्ट्रक्चर है. फॉलिएशन मतलब अरेंजमेंट लाइक अ लेयर्स, उसको फॉलिएटेड बोलते हैं, और सिस्टोज मतलब जिसमें अल्टरनेटिव बैंड्स ऑफ ब्राइट और डार्क बैंड हमको देखने के लिए मिलता है, उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टोस स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे ये हमारी इमेज है हॉर्नब्लेंड सिस्ट की. नेम ऑफ द रॉक है हॉर्नब्लेंड सिस्ट. यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में कि हमको डार्क और लाइट कलर बैंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टोस स्ट्रक्चर. टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर है क्रिस्टोक्लास्टिक. क्रिस्टोक्लास्टिक, क्लास्टिक मतलब आपको पता है, क्लास्टिक मतलब सेडिमेंट्स और पेबल. क्रिस्टोक्लास्टिक की बात करें तो ऐसा टेक्सचर जो क्रिस्टलाइन, क्लास्टिक और सेडिमेंट से बना हो, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टोक्लास्टिक टेक्सचर. सेडिमेंट्री रॉक में हमने देखा है दो टाइप के
रॉक है क्लास्टिक और नॉन क्लास्टिक। क्लास्टिक मतलब ऐसे रॉक जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक फ्रेगमेंट से फॉर्म होते हैं उसको क्लास्टिक बोलते हैं, और नॉन क्लास्टिक मतलब ऐसे रॉक जो केमिकली या बायोलॉजिकली फॉर्म होते हैं उनको नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्सचर की बात कर रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक की। तो यहाँ पर है क्रिस्टो क्लास्टिक, क्लास्टिक जो कि सेडिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, और क्रिस्टो, क्रिस्टो वर्ड लिया हुआ है क्रिस्टलाइन से। तो ऐसा टेक्सचर जो क्रिस्टलाइन हो और सेडिमेंट से बना हुआ हो उस टाइप के टेक्सचर को हम बोलते हैं क्रिस्टोक्लास्टिक टेक्सचर। यहाँ पे हमको मीडियम टू फाइन ग्रेन रॉक देखने के लिए, सेडिमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमको मीडियम टू फाइन ग्रेन ग्रेन साइज देखने के लिए मिलता है। सो इसे हम नेकेड आइट से भी इजीली देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सो दिस इज द टेक्सचर ऑफ क्रिस्टोक्लास्टिक ऑफ द हॉर्नब्लेन शीस्ट। सिस्टोस तो आपको बता ही दिया है, सिस्टोस क्या है। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो ये कम्प्लीटली बना होता है हमारे बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड से। जो ब्लैक कलर का जो पोर्शन है इस रॉक में वो बायोटाइट को डिस्क्राइब करता है, और जो हॉर्नब्लेंड है वो ग्रे कलर को डिस्क्राइब करता है। तो इट इज़ अ टोटल मिक्सचर और द कंबाइंड पोर्शन ऑफ द बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड। सो इसका मिनरल कंपोजिशन है बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड। नेम ऑफ द रॉक इज हॉर्नब्लेन शीस्ट। हम इसको शीस्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, क्योंकि ये सिस्टोज स्ट्रक्चर कैरी करता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर हमने इस रॉक को हॉर्नब्लेन शीस्ट नाम दिया है। ठीक है, अगेन ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म। सो ये ग्लो ग्रेड होता है। अब लो ग्रेड क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लेक्चर सीरीज को अटेंड करना होगा। अगर आपने लेक्चर सीरीज को अटेंड किया है देन यू विल अंडरस्टैंड दी व्हाट इज लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि अगर आपने लेक्चर सीरीज नहीं किया है तो पहले लेक्चर सीरीज को अटेंड कीजिए, देन आप प्रैक्टिकल सेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो हॉर्नब्लेन शीस्ट जो है वो लो ग्रेड कंसिस्ट करता है, लो ग्रेड में फॉर्म होता है। सो सिंपली मैं बता देती हूँ कि ग्रेड हम ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। सो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हाई ग्रेड होगा, अगर मीडियम और मॉडरेट टेम्परेचर होगा तो वो मीडियम ग्रेड होगा, और अगर एकदम लो ग्रेड में फॉर्म हो रहा है कोई भी रॉक तो उसको हम लो ग्रेड बोलेंगे। सो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म यहाँ पे हॉर्नब्लेन शिस्ट का होता है लो ग्रेड। फेसेस की बात करें तो अगेन फेसेस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, और हॉर्नब्लेन शिस्ट की फेसेस है हॉर्नब्लेन शिस्ट, बहुत सारे फेसेस है। अकॉर्डिंग टू दी वेरिएशन इन द टेम्परेचर, वेरिएशन इन द असेंबलेजेस ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज वी हैव सो मैनी फेसिस। सो जो हमारा हॉर्नब्लेन शीस्ट है वो हम फेसिस की बात करें तो वो हॉर्नब्लेन फेसिस में आता है, जहाँ पे पर्टिकुलर रॉक हमारा फॉर्म होता है और उसे हम बोलते हैं फेसिस। और फेसिस इज टोटली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द रॉक। सो दिस इज द फर्स्ट रॉक, दैट इज हॉर्नब्लेन शीस्ट। नाउ नेक्स्ट वी विल सी अनदर रॉक। सो नेक्स्ट रॉक इज टाल्क काइनाइट शीस्ट। सो हम मेटामॉर्फिक रॉक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो रॉक का कंबाइंड कंपोजिशन हुआ है। पहला है टाल्क और काइनाइट। जब दो रॉक मिलकर एक रॉक बनता है तो वहाँ पे हम उसको टाल्क काइनाइट शीस्ट, यहाँ पे दो रॉक का कॉम्बिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है टाल्क और काइनाइट का। और उसके बाद उनमें जो स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं जो कि सिस्टोज स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, जो इसलिए इसे नाम दिया गया है टाल्क काइनाइट शिस्ट। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिस्टोज स्ट्रक्चर कैरी करता है, और ये इमेज थोड़ी ब्लर है, बट अगर एज अ हैंड स्पेसिमन हम इसे देखें तो हमें क्लियरली सिस्टोज स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। मतलब लाइट और डार्क बैंड्स के लेयर्स अरेंजमेंट और मिनरल्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं शिस्टो स्ट्रक्चर। और अगेन टेक्सचर इसका क्रिस्टोक्लास्टिक है, मतलब ऐसा रॉक फॉर्मेशन जहाँ पे क्रिस्टलाइन सेडिमेंट्स मिलकर एक रॉक बना है, तो उसका जो टेक्सचर डिफाइन होता है एज अ क्रिस्टोक्लास्टिक होता है। मतलब जो हमारे सेडिमेंट्स है रॉक में वो क्रिस्टलाइन नेचर के हैं और क्लास्टिक फ्रेगमेंट्स को कैरी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्सचर।
सो यहाँ पे हमारा जो टाल्क कायनाइशिस्ट है वो क्रिस्टोक्लास्टिक टेक्सचर कंसिस्ट करता है, और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा है शिस्टोज। नेक्स्ट है हमारा मिनरल कंपोजिशन। सो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि ये दो रॉक से मिलकर बना है, कंबाइंड दो रॉक से बना है, और वो दो रॉक है हमारे टाल्क और कायनाइट। तो यहाँ पे हमारा मिनरल कंपोजिशन में आएगा टाल्क एंड कायनाइट। और जो सेकेंडरी मिनरल्स है वो है मस्कोवाइट, सेकेंडरी रॉक मस्कोवाइट है जो इसको एक अलग टिंट देता है, शाइनी अपीयरेंस देता है। हमने मस्कोवाइट इन द इग्नियस रॉक में डिस्कस किया है। सो यहाँ इस टाल्क शिस्ट, टाल्क और कायनाइट शिस्ट का ये कंपोजिशन है जहाँ पे हमको मस्कोवाइट एज अ सेकेंडरी रॉक देखने के लिए मिलता है, और ये टोटली मेड अप ऑफ टाल्क एंड कायनाइट रॉक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन नेम ऑफ द रॉक है हमारा टाल्क एंड कायनाइट शिस्ट। और वाई वी यूजिंग शिस्ट, सो एज वी हैव डिस्कस शिस्टोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर हमारा शिस्टोज है, इसलिए इसे हम कायनाइट टाल्क कायनाइट शिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाल्क कायनाइट शिस्ट है। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो अगेन ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म है, मतलब ये जो रॉक है वो लोएस्ट टेम्परेचर में फॉर्म्ड हुआ होगा, और इस रॉक को हम बोलते हैं लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म। फेसेस की बात करें तो टाल्क कायनाइट शिस्ट ब्लू फेसेस में फॉर्म्ड होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने फेसेस ब्लू फेसेस किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाल्क कायनाइट शिस्ट। नेक्स्ट है हमारा बायोटाइट शिस्ट। अब बायोटाइट शिस्ट क्या होता है, हमने बायोटाइट जो है वो इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया है इग्नियस रॉक में। अगेन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिस्टोज स्ट्रक्चर है, टेक्सचर की बात करें तो क्रिस्टोक्लास्टिक टेक्सचर है, और मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे हमको बायोटाइट और क्वार्ट्ज देखने के लिए मिलते हैं, और सम पार्ट ऑफ हॉर्नब्लेंड इज ऑल्सो देयर बिकॉज ऑफ द ब्लैक टिंट और ग्रे टिंट। सो इसका मिनरल कंपोजिशन है बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड एंड क्वार्ट्ज, और स्ट्रक्चर है सिस्टोज, और टेक्सचर है क्रिस्टोक्लास्टिक टेक्सचर। नेम ऑफ द रॉक इज बायोटाइट शिस्ट। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज मीडियम ग्रेड, और फेसेस की बात करें तो ग्रीन शिस्ट फेसेस कैरी करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर आपने लेक्चर सीरीज को अच्छे से नहीं किया है तो आपको ये जो टर्म्स है ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, फेसेस, सिस्टोज स्ट्रक्चर और फॉलिएशन, ये आपको समझ नहीं आएंगे। सो प्लीज़ पहले लेक्चर सीरीज को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। यू कैन मेक योर नोट्स, ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन वीडियोज। सो बहुत सारे वेज है जहाँ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स। ठीक है, सो प्लीज़ इसको लाइटली मत लीजिए। आई नो ऑनलाइन क्लासेस थोड़ी सी वियर्ड होती है, पता है ऑनलाइन क्लासेस की ना तो आपको आदत है ना हमें आदत है। सो सारे फैकल्टीज़ के लिए भी ये पहली बार ही ऐसा है, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस ही करना है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। कुछ चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो हम हैं, आप बार बार पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। सो बट कोई डाउट मत रखिए बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। और एज ए सिविल इंजीनियर ये रॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, सो कोई भी टर्म्स अगर आते हैं जैसे सिस्टोज है, फॉलिएशन है, सो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिस्टोज स्ट्रक्चर, व्हाट इज फॉलिएशन। सो प्लीज़ पहले लेक्चर सीरीज़ को अटेंड कीजिए, पूरी लेक्चर सीरीज़ देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड कीजिए, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो हम बायोटाइट शिस्ट की बात कर रहे थे जिसका स्ट्रक्चर सिस्टोज होता है, टेक्सचर क्रिस्टोक्लास्टिक होता है,
मिनरल कंपोजिशन बायोटाइट एंड क्वार्ट्ज होता है, नेम ऑफ द रॉक बायोटाइट शिस्ट, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज मीडियम ग्रेड, सो बायोटाइट शीट्स लो टेम्परेचर सॉरी मीडियम टेम्परेचर में फॉर्म होता है और मॉडरेट टेम्परेचर में, इसीलिए यहाँ पे हमने मीडियम ग्रेड लिखा है। फेसिस की बात करें तो ग्रीन शिस्ट फेसिस कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, इट्स क्वार्ट्जाइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक। सो ये आपको वाइवा में भी पूछ सकता है। क्वार्ट्जाइट एक ऐसा रॉक है जो टोटली मेड अप ऑफ क्वार्ट्ज से बना है, मतलब और क्वार्ट्ज का जो कंपोजिशन है वो SiO2 है। जो क्वार्ट्ज जब अल्टर होता है, जब क्वार्ट्ज के ऊपर बहुत सारे प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई होते हैं, सो वो जो क्वार्ट्ज है वो क्वार्ट्जाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉक, और ये आपको वाइवा में पूछ सकता है कि क्वार्ट्ज अल्टर होने के बाद कौन सा रॉक बनाता है। सो जब क्वार्ट्ज का अल्टरेशन होता है या इट्स कन्वर्टेड इनटू द अनदर रॉक ड्यू टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड, सो वी विल गॉट द क्वार्ट्जाइट। सो दिस इज द इमेज ऑफ द क्वार्ट्जाइट, और ये थोड़ा बहुत मार्बल जैसा दिखता है बिकॉज ऑफ द अपियरेंस। सो स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो क्वार्ट्जाइट का स्ट्रक्चर है वो ग्रैन्यूलोज स्ट्रक्चर है, और ग्रैन्यूलोज मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो बहुत सारे जो ग्रैन्यूल्स ऑफ ग्रेन्स को अपीयरेंस को शो करता है। तो यहाँ पे इस इमेज में हम देख सकते हैं, इस इमेज में थोड़ा ब्लर आपको दिखेगा। सो अगेन हमारे पास कोई हैंड स्पेसिमेंट नहीं है स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, तो हमें विद दी हेल्प ऑफ इमेज ही स्टडी करना है। तो अगर हम इसके हैंड स्पेसिमन की बात करें तो हैंड स्पेसिमन में हमें इजीली और बहुत ही हम नेकेड आइट से देख सकते हैं कि ग्रैनुलोस स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे से मीडियम ग्रेन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। सो बिकॉज ऑफ देयर अपियरेंस हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहे हैं ग्रैन्यूल्स, जो कि कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेन्स को इंडिकेट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर ग्रैनुलोस होता है और कोर्स टू मीडियम ग्रेन होते हैं, और ये थोड़ा बहुत मार्बल का अपीयर करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है फील्ड में, अगर हमको मार्बल दिखता है तो उसको क्वार्ट्जाइट समझते हो, क्वार्ट्जाइट अगर दिखता है तो उसको मार्बल समझते हो। तो लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल, बट इसका एक खासियत ये है कि जो क्वार्ट्जाइट है वो टोटली मेड अप ऑफ क्वार्ट्स है, तो इट मे बी हेल्पफुल फॉर इट मे बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दैट इज क्वार्ट्जाइट। सो क्वार्ट्जाइट ग्रैनुलो स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, और यहाँ पे टेक्सचर ग्रैनुलोब्लास्टिक है। इसके पहले हमने क्रिस्टोब्लास्टिक देखा, ये ग्रैनुलोब्लास्टिक बिकॉज ये बहुत सारे ग्रैनुलर स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, ग्रेन्स को कंसिस्ट करता है, और ऐसे ग्रेन्स जो कोर्स टू मीडियम होते हैं और जिसको हम नेकेड आइट से देख सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज हम यहाँ पे टेक्सचर उसको डिफाइन करते हैं एज अ ग्रैनुलोब्लास्टिक। ठीक है, तो इसका टेक्सचर ग्रैनुलोब्लास्टिक है और स्ट्रक्चर है ग्रैनुलोस। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। सो क्वार्ट्जाइट एक ऐसा रॉक है जो इंटायरली मेड अप ऑफ क्वार्ट्स होता है, और क्वार्ट्स का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, क्वार्ट्स इज टोटली मेड अप ऑफ SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सो दिस इज क्वार्ट्जाइट, नेम ऑफ द रॉक इज क्वार्ट्जाइट। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो क्वार्ट्जाइट हाई ग्रेड रॉक है, मतलब इसको फॉर्म होने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म क्वार्ट्जाइट का है हाई ग्रेड। फेसिस की बात करें तो क्वार्ट्जाइट हमको ग्रीन शिस्ट फेसिस में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वार्ट्जाइट, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रॉक है, ये वाइवा में भी आपको पूछ सकते हैं। और एक और चीज़, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका वाइवा हो रहा है या कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो एज अ सिविल इंजीनियर आपसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन रहते हैं कि आपको इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक के रॉक के नाम आने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको कोई भी चार चार एग्जाम्पल हर रॉक के पता होने चाहिए, जैसे इग्नियस रॉक के चार एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री रॉक के चार एग्जाम्पल और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल।
सो नॉट एग्जाम्पल, आपको नेम आने चाहिए। बहुत सारे रॉक्स हैं, उसमें से आप कोई भी चार इग्नियस रॉक याद कर लीजिए, चार सेडिमेंट्री रॉक याद कर लीजिए और चार मेटामॉर्फिक रॉक याद कर लीजिए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि प्लीज़ गिव मी द फोर नेम ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक, सो आपको ये बताते आना चाहिए कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन से हैं। तो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक है मार्बल, स्लेट, बायोटाइट और गॉडजाइट। ठीक है, तो ये इजी नेम है जो आपको इजीली रन हो सकते हैं, इजीली याद हो सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो चीज़ है, ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ है जो आपको इंटरव्यू में इन फ्यूचर पूछ सकते हैं। अभी तो नहीं पूछेंगे, बट वाइवा अगर आपका होता है और वाइवा में अगर पूछ सकते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मेरे हिसाब से आप हर रॉक के चार नेम याद कर लीजिए, ताकि आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक के चार नाम आप बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको रॉक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको चार चार रॉक के नेम इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक के याद करने हैं। ठीक है, और ये आपके वाइवा में भी पूछ सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने फेसेस देख लिया, जो क्वार्ट्ज़ाइट है ग्रीनिश फेसेस को कंसिस्ट करता है, मतलब हमको क्वार्ट्ज़ाइट ग्रीनिश फेसेस में मिलता है। अब ये फेसेस क्या है, तो अगेन मैंने जैसे बताया है कि आपको पहले लेक्चर सीरीज को कंटेन पढ़ना है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये जो टर्म्स है आपको नहीं समझ में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा वाइट मार्बल। सो वाइट मार्बल इज़ ऑल्सो अ सेम, जैसा कि मैंने बताया कि क्वार्ट्ज़ाइट और मार्बल थोड़े सेम दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा वाइट मार्बल की इमेज है और ये बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। हम सब ने ही वाइट मार्बल देखा है और इसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ है। और वाइट मार्बल इज़ somewhat like quartzite because of the appearance, otherwise जो chemical composition की बात करें तो दोनों के chemical composition different होते हैं। So structure की बात करें तो again ये granulose structure consist करता है, और texture की बात करें तो texture crystoclastic है। यहाँ पे granuloblastic भी लिख सकते हैं, so कोई problem नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे crystoclastic की जगह granuloblastic भी लिख सकते हो और crystoclastic भी लिख सकते हो। ठीक है, सो ग्रैनुलोस स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, टेक्सचर इसका क्रिस्टोक्लास्टिक है या ग्रैनुलोब्लास्टिक। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे हमको मार्बल में बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड और बहुत सारा फेल्सपार और क्वार्ट्ज भी देखने के लिए मिलते हैं। जो ये वाइटिश टिंट हमको दिख रहा है, ये बिकॉज ऑफ द क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार है, और जो पिंकिश पार्ट हमको दिखता है ये फेल्सपार की वजह से होता है। तो फेल्सपार जब भी इंक्लूड होता है कोई भी रॉक में तो हमको थोड़ा सा पिंक टिंट देखने के लिए मिलता है। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ है इधर, यहाँ पे जो हमको लिटिल बिट ऑफ ऑरेंज और पिंक टिंट देखने के लिए मिल रहा है, ये हमारा है फेल्सपार। ठीक है, और जो वाइट अपीयरेंस आता है वो आता है क्वार्ट्ज से, और इसमें जो मेन मिनरल कंपोजिशन है वो हमारा है बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड। जो ब्लैक पार्ट का जो पोर्शन है, एक्चुअली इट इज़ अ इमेज। अगर हम हैंड स्पेसिमेंट देखें तो हमको और क्लियरली सारे मिनरल्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको बायोटाइट, हॉर्नब्लेंड एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार ये सेकेंडरी मिनरल है और सेकेंडरी मिनरल कंपोजिशन है वाइट मार्बल का। ठीक है, और नेम ऑफ द रॉक है वाइट मार्बल। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो लो ग्रेड है, मतलब मार्बल, वाइट मार्बल हमारा लोएस्ट टेम्परेचर पे, प्रेशर पे फॉर्म होता है और उसको हम लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मेटामॉर्फिज्म के तीन ग्रेड होते हैं, लो ग्रेड, मीडियम ग्रेड और हाई ग्रेड, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आपने लेक्चर नहीं किया होगा तो आप अटेंड कर सकते हैं। और फेसेस की बात करें तो वाइट मार्बल हमको जियोलाइट फेसेस में देखने के लिए मिलता है। फेसेस अगेन डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर और मिनरल असेंबलेजेस। बहुत सारे फेसेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर टेम्परेचर कौन सा रॉक किस
पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर पे फॉर्म हो रहा है, सो उस बेसिस पे अलग अलग फेसेस में डिवाइड किया गया है। तो जो हमारा वाइट मार्बल है वो ज़ियोलाइट फेसेस में मिलता है हमको। और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म जो है वो लो ग्रेड है, ठीक है। सो अगेन मार्बल का एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको वाइवा में मार्बल के यूजेस पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी यू हैव टू नो द यूजेस ऑफ मार्बल्स, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एज अ सिविल इंजीनियर यू हैव टू नो अबाउट द यूजेस। सो आपको कोई भी चार यूजेस मार्बल के आप नोट डाउन कर सकते हैं। और मार्बल सिर्फ वाइट ही नहीं होते, बहुत सारे कलर्स होते हैं मार्बल्स के, जैसे पिंक मार्बल होता है, ग्रीन मार्बल होता है, वाइट मार्बल होता है। तो आप बहुत सारे मार्बल्स के एग्जांपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मार्बल्स के यूजेस लिखना है, और यूजेस बहुत ही सिंपल है, आप गूगल पे सर्च करके भी लिख सकते हो। सो मार्बल एक ऐसा रॉक है जो इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें मार्बल से बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है विद द हेल्प ऑफ मार्बल। सो आपको इसके चार या पांच यूजेस नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाइवा में पूछता ही है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक सी चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए। सो प्लीज़ कोई भी 4 यूजेस मार्बल्स के, और बहुत सारे हैं, और आपको रैंडमली आप खुद से भी लिख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज अ बिल्डिंग स्टोन भी यूज़ होता है, और फर्नीचर्स में यूज़ होते हैं मार्बल, और बहुत सारे मोनोमेंट्स बनाने में भी यूज़ होते हैं। सो बहुत सारे यूजेस हैं, और आपको ये बताते आना चाहिए। सो कोई भी रैंडम 5 यूजेस ऑफ मार्बल आप नोट डाउन करके रख लीजिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल सेशन में या वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट वी विल सी दी अनादर मेटामॉर्फिक रॉक। सो नेक्स्ट रॉक है हमारा स्लेट, और स्लेट क्या होता है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। स्लेट के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्लेटी स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है और फॉलिएटेड होता है। हम मेटामॉर्फिक रॉक में इस रॉक को देख चुके हैं, ये फॉलिएटेड रॉक कंसिस्ट करता है। और फॉलिएशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने लेक्चर सीरीज़ को अच्छे से नहीं अटेंड किया है तो आप ये सारे टर्म्स नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो फॉलिएशन मतलब एक ऐसा टर्म होता है जहाँ पे रॉक इन द फॉर्म ऑफ लेयरिंग अरेंजमेंट बनता है। तो जो हमने स्लेट देखा है, सबने स्लेट देखा है, सो आपने अगर स्लेट देखा होगा तो हम उसमें आपको एक लेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ वन बाय वन एक लेयरिंग कॉम्पैक्ट लेयरिंग अरेंजमेंट देखने के लिए मिलती है। तो उस पोर्शन उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप फॉलिएटेड भी लिख सकते हो और स्लेटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लेटी स्ट्रक्चर और फोलिएटेड स्ट्रक्चर। हम ग्रे स्लेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्सचर की अगर हम बात करें तो फाइन और कॉम्पैक्ट फोलिएटेड टेक्सचर कंसिस्ट करता है। फाइन ग्रेन होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो मिनरल कंपोजिशन में हमारे बायोटाइड आते हैं, हॉर्नब्लेंड आता है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल कंपोजिशन में हमारे बायोटाइट और हॉर्नब्लेंड आते हैं, और हॉर्नब्लेंड की वजह से स्लेट ग्रे कलर का होता है, और बिकॉज ऑफ द बायोटाइट इट लुक्स लाइक ब्लैकिश ग्रे और ग्रेइश ब्लैक, ठीक है। तो स्लेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेटामॉर्फिक रॉक, और ये लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म में फॉर्म होता है, मतलब हमें स्लेट फॉर्म होने के लिए लो ग्रेड और लो टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ द लो ग्रेड मेटामॉर्फिज्म मेटामॉर्फिक रॉक। और फेसेस की बात करें तो स्लेट ज़ियोलाइट फेसेस कंसिस्ट करता है, ठीक है। सो स्लेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
और आपको ये वाइवा में ये भी पूछ सकता है कि स्लेट कौन सा स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है। सो आपको ये बताते आना चाहिए कि स्लेट फॉलिएटेड होता है, और फॉलिएटेड मतलब क्या, फॉलिएटेड मतलब लेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ रॉक, लेयर लेयर अरेंजमेंट हमको अगर देखती है दिखती है रॉक में तो उसको हम बोलते हैं फॉलिएटेड और फोलिएशन। सो यहाँ पे स्लेट का स्ट्रक्चर है स्लेटी और फोलिएटेड। टेक्सचर की बात करें तो फाइन कॉम्पैक्ट फोलिएटेड टेक्सचर है। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें बायोटाइट एंड हॉर्नब्लेंड होता है। नेम ऑफ द रॉक इज ग्रे स्लेट, और स्लेट हमने जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक के लेक्चर सीरीज में देखा है कि ग्रे बहुत सा स्लेट बहुत सारे कलर के आते हैं, डेट इज पिंक स्लेट, ग्रे स्लेट, ब्लैक स्लेट, ग्रीन स्लेट। सो ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटीज और चेंज इन मिनरल कंपोजिशन वी हैव सो मैनी कलर्स ऑफ स्लेट। यहाँ पे हम ग्रे स्लेट को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्लेट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ग्रे स्लेट बिकॉज ये ज़्यादा यूज़ होती है एज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो, और इसका इंडस्ट्रियल यूज़ भी ज़्यादा है। और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म लो ग्रेड है, मतलब हमें इसको स्लेट को फॉर्म होने के लिए लो टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत होती है। सो ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, और जो ओवरबर्डन रॉक होते हैं उसके प्रेशर से हमारा स्लेट बनता है। फेसिस की बात करें तो स्लेट जियोलाइट फेसिस में फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा गार्नेट। गार्नेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और गार्नेट के भी बहुत सारे यूजेस हैं। सो मार्बल और गार्नेट और स्लेट के आपको यूजेस नोट डाउन करने हैं इन योर नोटबुक। यू कैन गूगल और यू कैन सर्च ऑन गूगल, सो आपको बहुत सारे यूजेस मिल जाएंगे। सो अगेन यहाँ पे नाइसो स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है गार्नेट। टेक्सचर ग्रैनुलोब्लास्टिक है। मिनरल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें गार्नेट और फेल्सपार होते हैं। नेम ऑफ द रॉक इज गार्नेट। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म की बात करें तो ये हाई ग्रेड रॉक होता है, मतलब गार्नेट एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जो हाईएस्ट ग्रेड कंसिस्ट करता है, मतलब इसको फॉर्म होने के लिए हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है, तब जाके हमारा गार्नेट कम्प्लीटली फॉर्म्ड होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है जिसको हाईएस्ट टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत होती है फॉर्म होने के लिए। सो गार्नेट हमारा एक ऐसा मेटामॉर्फिक रॉक है जिस जो हाई ग्रेड कंसिस्ट करता है, जिसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म इज़ हाई ग्रेड। और फेसिस की बात करें तो इक्लोगाइट फेसिस। इक्लोगाइट फेसिस ही नेम से हम कंसिस्ट इमेजिन कर सकते हैं। इक्लोगाइट फेसिस एक ऐसी फेसिस है जहाँ पे हमको पूरे ही कम्प्लीटली हाई ग्रेड रॉक देखने के लिए मिलेंगे, मतलब ऐसी फेसिस जहाँ पे असेंबलेजेस ऑफ रॉक ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको वही रॉक देखने के लिए मिलते हैं जो टोटली हाई टेम्परेचर और प्रेशर में फॉर्म होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे हम फेसिस में इक्लोगाइट फेसिस लिखा है, क्योंकि गार्नेट हाई ग्रेड कंसिस्ट करता है मेटामॉर्फिज्म, और इसकी जो फेसिस है वो हाई ग्रेड फेसिस है। ठीक है, सो गार्नेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको नोट डाउन करना है कोई भी चार यूजेस। सो आपको जैसे कि मैंने बताया है चार चार नाम इग्नियस रॉक के, सेडिमेंट्री रॉक के, मेटामॉर्फिक रॉक के लर्न करना है बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। और मार्बल गार्नेट स्लेट इसके आपको चार चार यूजेस आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। प्रैक्टिकल सेशन में भी पूछ सकते हैं, और वाइवा में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अगर आपने लेक्चर सीरीज़ और प्रैक्टिकल सेशन अच्छे से किया है, ऑनेस्टली किया है, तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इस प्रैक्टिकल सेशंस को लेक्चर सीरीज़ को लाइटली ले रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के, और ऑफलाइन क्लासेस का कोई आइडिया नहीं है कि शुरू होगी नहीं होगी, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन हमें ऑनलाइन क्लासेस ही करने हैं। सो आपको ये लाइटली नहीं लेना है, आपको ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना है। ठीक है, और आई होप कि जैसा मैंने बताया है आप प्रैक्टिकल नोटबुक में सारे प्रैक्टिकल्स लिख रहे होंगे जितने अब तक के हुए हैं।
ठीक है। ये हमारा प्रैक्टिकल टू है और ये प्रैक्टिकल टू का थर्ड पार्ट है। प्रैक्टिकल टू का फर्स्ट पार्ट इग्नियस रॉक है, प्रैक्टिकल टू का सेकंड पार्ट सेडिमेंट्री और थर्ड पार्ट है मेटामॉर्फिक। तो आपको हेडिंग भी ऐसी ही डालनी है और ऐसे ही जैसा इस पीपीटी में आपको दिख रहा है वैसा ही आपको एज इट इज़ लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप प्रैक्टिकल नोटबुक भी लिख रहे हो साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटामॉर्फिक रॉक गार्नेट। नेक्स्ट है हमारा हॉर्नब्लेंड बायोटाइट शिस्ट। सो यहाँ पे नेम ऑफ द रॉक और फेसेस और ग्रेड इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये जो रॉक है ये तीन रॉक से मिलकर बनता है और बिकॉज ऑफ अलग अलग रॉक की अलग अलग खासियत होती है, अलग अलग रॉक की अलग अलग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कोई रॉक कोई टेम्परेचर पर फॉर्म होता है, कोई रॉक दूसरे टेम्परेचर पे। सो यहाँ पे नेम ऑफ द रॉक हमारा है बायोटाइट हॉर्नब्लेन शिस्ट और हमने ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म और फेसेस को क्योंकि कोई फेसेस और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म कंसिस्ट नहीं करता है इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा है। बट नेम ऑफ द रॉक है हमारा बायोटाइट हॉर्नब्लेन शिस्ट और स्ट्रक्चर की बात करें तो सिस्टोज है और क्रिस्टोक्लास्टिक इसका टेक्सचर है। और ये जो हमारी इमेज है ये है हमारी हॉर्नब्लेन बायोटाइट शिस्ट, जहाँ पे आपको जो ब्लैक स्पॉट और ब्लैक ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो है हमारा बायोटाइट और जो ग्रे ग्रेन्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं वो है हमारा हॉर्नब्लेन। सो यहाँ पे बाय मिस्टेक नाम नहीं डाल पाए बट ये नाम यहाँ पर है बायोटाइट हॉर्नब्लेन शिस्ट। सो आप जब लिखोगे प्रैक्टिकल बुक में तो यहाँ पे नेम ऑफ द रॉक लिखना है आपको हॉर्नब्लेन बायोटाइट शिस्ट, ठीक है। और ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म नहीं है और फेसेस भी नहीं है, स्ट्रक्चर सिस्टोज है इसका और टेक्सचर है क्रिस्टोक्लास्टिक, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आई होप कि आप सारे प्रैक्टिकल्स प्रैक्टिकल नोटबुक में या आपके रिकॉर्ड में लिख रहे होंगे बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। इसको लाइटली मत लीजिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आपके वाइवा के मार्क्स और प्रैक्टिकल असेसमेंट के मार्क्स ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। सो आपको ये नोट डाउन करना है, ठीक है। और बाद में या तो आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF या फिर आपको डायरेक्टली सबमिट करना है आपके प्रैक्टिकल सेशन के टाइम पे। सो ये हमारा सेकेंड प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। और सेकेंड प्रैक्टिकल में तीन पार्ट है, पहला पार्ट हमारा इग्नियस रॉक है, दूसरा पार्ट सेडिमेंट्री रॉक है और तीसरा पार्ट मेटामॉर्फिक रॉक है। इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन हम डिप एंड स्ट्राइक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको A4 साइज के पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्रैक्टिकल में भी आते हैं वही क्वेश्चन और वो एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा इंजीनियरिंग जियोलॉजी के तो आपको एक क्वेश्चन तो कंपलसरी है डिप एंड स्ट्राइक पे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन को लाइटली मत लीजिए और इस प्रैक्टिकल सेशन को भी लाइटली मत लीजिए। सो आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के लिए A4 साइज़ का ब्लैंक पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको D की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वो रिकॉर्डेड होगा बट आपको प्रैक्टिस करना है A4 साइज़ के पेज पे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है एज वेल क्योंकि वो क्वेश्चन आपको एज वेल एज प्रैक्टिकल और इन दी एग्ज़ाम में भी पूछता है। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के लिए आपको A4 साइज़ के ब्लैंक पेज की ज़रूरत पड़ेगी और वो भी आपको नोट डाउन करना है और आपको आपकी नोटबुक या फिर रिकॉर्ड प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में आपको लगाना है बिकॉज इट्स कंपलसरी। सो नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन के लिए आपको ब्लैंक A4 साइज़ पेज लेना है। यू विल हैव टू नोट डाउन दी क्वेश्चंस और फिर उसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दी सेकेंड प्रैक्टिकल। इन दी नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेक्शन वी विल स्टार्ट दी थर्ड प्रैक्टिकल विच इज़ बेस्ड ऑन दी डिप एंड स्ट्राइक क्वेश्चंस। सो दैट्स इट। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क इन दी कॉमेंट सेक्शन।
अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ आ रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा है। और वन मोर थिंग इज़ डैट कि मैंने नोटिस किया है आप सिर्फ एक कुछ सेकंड के लिए वीडियोस देखते हो या एक मिनट तक देखते हो, रोल नंबर डालते हो और देन चले जाते हो। देखो ये जो ऑनलाइन सेशन है, आई नो इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, बिकॉज ये भी हमारा फर्स्ट टाइम है ऑनलाइन सेशन को अटेंड करना, ठीक है, और ऑनलाइन सेशन के थ्रू क्लासेस लेना। सो इट्स लिटिल बिट डिफरेंट और डिफ़िकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस। सो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते, और हमसे जितनी कोशिश हो रही है हम आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ा सा आपका भी एक योगदान चाहिए कि आप भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए। अदरवाइज़ हमें ये नहीं समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, और एग्ज़ाम आप ही को देना है। सो प्लीज़ बी केयरफुल और सारे लेक्चर सीरीज़ प्रैक्टिकल सेशन अच्छे से अटेंड कीजिए, क्योंकि बाद में तो अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है तो वहाँ पे कोई ऑनलाइन का चांसेस नहीं है। और प्रैक्टिकल सेशन की बात करें तो आपके जो प्रैक्टिकल सेशन के जो मार्क्स हैं वो मेरे ही हाथ में है, वाइवा के प्रैक्टिकल असेसमेंट के। सो प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जितनी कोशिश हो सके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल सेशन, दिस इज़ आर सेकेंड प्रैक्टिकल, वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंड प्रैक्टिकल एंड वी विल स्टार्ट द थर्ड प्रैक्टिकल इन द नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।